हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 8 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम क्लाजेज के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज हम आपको बुक में फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लास की हिंदी क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लास का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, अ क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। क्या क्लाज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उसके पास या उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। आगे लिखा हुआ है, अ क्लाज डैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द मेन क्लाज। ऐसा क्लाज जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं प्रकट करे उसे हम लोग मेन क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। अ क्लाज डैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। वह क्लाज जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है उसे आश्रित उपवाक कहते हैं अथवा उसे हम डिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लाज क्या होता है उसका डिफिनेशन दिया गया है। अब हम लोग सबसे पहले लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय जॉइनिंग दियर ए एंड बी पार्ट्स सुटेबली। यहाँ पर आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कॉलम ए के अंतर्गत और कुछ कॉलम बी के अंतर्गत दिए गए हैं। कॉलम ए में दिए गए सेंटेंस सभी मेन क्लाज हैं जिसको हम प्रिंसिपल क्लाज के नाम से भी जानते हैं अथवा इनको हम इंडिपेंडेंट क्लाज के नाम से जानते हैं। ये किसी पर भी निर्भर नहीं है, यह अपना अर्थ पूरा स्वयं प्रकट करता है। लेकिन पार्ट बी में दिए गए सेंटेंस सभी सबऑर्डिनेट क्लाज हैं। यह सेंटेंस अपना अर्थ पूरा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है। यह पार्ट यहाँ इस पर निर्भर है, पार्ट ए पर। पार्ट बी का ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ए पर निर्भर है, इसलिए इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो चलिए इसको हमें मैच करना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, द चिल्ड्रेन वर स्टडिंग वाइल मदर वाज वाचिंग ए शो। तो इसको हम लोग वाइल मदर वाज वाचिंग ए शो इससे मिलाएंगे, बच्चे अध्ययन कर रहे थे जबकि माँ शो देख रही थी। दूसरा है, बी परचेज ए केक। हमने एक केक खरीदा बिकॉज इट वॉज माई फादर्स बर्थडे, क्योंकि मेरे पिताजी का जन्मदिन था। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे। तीसरा सेंटेंस है, सी विल बाई अ ड्रेस। वह एक ड्रेस खरीदेगी इफ इट इज ऑन सेल, यदि वह जो है सेल पर लगा है तो। तो वह एक ड्रेस खरीदेगी। सी द ताज व्हेन एवर यू विजिट आगरा। ताज को देखिएगा जब कभी आप आगरा जाए तो। यहां पर व्हेन एवर। अब लास्ट बचा यहां पे, आई विल वॉच द बर्ड्स अंटिल दे फ्लाई अवे। मैं पक्षियों को देखूंगा अंटिल दे फ्लाई अवे, जब तक कि वो उड़ नहीं जाती। इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी को मैच कर दिया जिससे कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है,
कह रहा है आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड द सबॉर्डिनेट क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्यों में हमें मुख्य उपवाक और आश्रित उपवाक को आइडेंटिफाई करना है। टेल वेदर द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज ए नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज आर एन एडवर्ब क्लॉज। और हमें बताना है कि दिया गया सबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लाज है कि एडजेक्टिव क्लाज है या फिर एडवर्ब क्लाज है। तो यहाँ पे हमें टाइप्स भी बताना है। तो पहला सेंटेंस है बी वॉक अलोंग द लेक अंटिल द सनसेट। यहां पर यह पार्ट हमारा जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं यह प्रिंसिपल क्लाज है। इसको हम लिखते हैं पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। अब जो पार्ट बच रहा है यह पार्ट हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह एडवर्ब क्लॉज है, इसको लिखेंगे एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस If it rains tomorrow, we would not go to school. यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा ए है जिसको हमने अंडरलाइन किया, इसको लिखेंगे पीसी। और यह हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इसको लिखेंगे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज। और टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह भी हमारा एडवर्ब क्लॉज है, इसको लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। तीसरा सेंटेंस इट वाज यू या प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी होम आई गेव माय पेन टू, यह हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड प्लीज ड्रिंक इट, तो प्लीज ड्रिंक इट या प्रिंसिपल क्लॉज पीसी। और यह हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अगला सेंटेंस बी कॉन्ट फॉरगेट द पार्टी पीसी प्रिंसिपल क्लॉज डेट यू ऑर्गेनाइज लास्ट वीक, यह हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज और यह है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। अगला सेंटेंस ही टॉक्स प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद एज से लेकर कंट्री तक सबॉर्डिनेट क्लॉज है और यह एक एडवर्ब क्लॉज है। पांचवा सेंटेंस सॉरी सातवां सेंटेंस है Unless you get your rightful dues, keep on fighting. तो keep on fighting यह principal clause है क्योंकि यह अपना अर्थ पूरी तरीके से प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम principal clause कहेंगे। और unless से लेकर dues तक यह हमारा subordinate clause है और यह एक adverb clause है। नेक्स्ट सेंटेंस द बॉय हु टॉक टू यू ऑन द फोन यस्टरडे इज माई सन। यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है द बॉय और इज माई सन, इस दोनों पार्ट को मिलाएंगे यह प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यह बीच का जो पार्ट बच रहा है हु से लेकर के यस्टरडे तक यह हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज,
नेक्स्ट सेंटेंस, नो मैटर हाउ पीपल लुक एट इट, वी आर इन सेफ हैंड्स। तो वी आर इन सेफ हैंड्स या प्रिंसिपल क्लॉज है पीसी, और नो से लेके इट तक यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज लिखेंगे इसको, एडवर्ब क्लॉज। अगला सेंटेंस है, आई प्रीफर द स्कूल विच फोकसेज ऑन वैल्यू बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर आई प्रिफेयर स्कूल या प्रिंसिपल क्लॉज है, अब विच से लेकर के लर्निंग तक का पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और टाइप्स में एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द गर्ल हु सैंग सो वेल इन द फंक्शन। तो आई नो द गर्ल प्रिंसिपल क्लॉज पीसी, हु से लेके फंक्शन तक सबऑर्डिनेट क्लॉज, टाइप्स में एडजेक्टिव। और लास्ट है, दे विल रिग्रेट प्रिंसिपल क्लॉज, दैट से लेकर के डिसीजन तक यह पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और टाइप्स में अगर हम बात करें तो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज में दैट का यूज होता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और किस तरीके का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लॉज, टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, सबसे पहले लिखेंगे विच बुक आई शुड रीड फर्स्ट। आई एम नॉट श्योर विच बुक आई शुड रीड फर्स्ट। इस तरीके से हमने हिंट किया, आप लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया है सक्सेस इज व्हाट बी अचीव इन लाइफ। सक्सेस इज व्हाट बी अचीव इन लाइफ। अगला सेंटेंस है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर अप टू। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फियर इज दैट दे विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट है, द कंपनी क्लेम्स दैट दे आर रिस्पॉन्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। अगला सेंटेंस, द रिपोर्ट हैज सरप्राइज एवरीवन दैट ओनली 10% स्टाफ इन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लेडीज। द रिपोर्ट हैज सरप्राइज्ड एवरीवन दैट
that only 10% staff in government offices are ladies. अगला सेंटेंस है, द डेमोन्स्ट्रेटर सेड दैट दे वुड कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक. ही गेव एन एश्योरेंस दैट ही would look after that he would look after the guest well. Next sentence hai, it is interesting that the chairman himself has refused to attend the meeting. It is interesting that the chairman himself has refused to attend the meeting. Last sentence, I think that we should agree with the decision. इस तरीके से सभी सेंटेंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया हिंट के माध्यम से. आप लोग इसको पूरा बुक में लिखेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तीसरा एक्सरसाइज है, आई नो अ मैन. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद हु और विच. यहाँ पे हमें हु अथवा विच से सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो पहले सेंटेंस में हम लिखेंगे याहू, दूसरे में यहां लिखेंगे विच, तीसरे में भी विच लिखेंगे, चौथे में भी लिखेंगे विच, नेक्स्ट यहां पर हु लिखेंगे, यहां पर भी विच लिखेंगे और लास्ट में भी विच लिखेंगे. ये सभी सेंटेंस हमारे सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं. यहाँ पर मात्र दो सेंटेंस में हु का यूज किया गया, आई नो अ मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. हु कैन रिपेयर योर कंप्यूटर, जो तुम्हारे कंप्यूटर की मरम्मत कर सकता है. तो यहाँ पर मैन के अकॉर्डिंग हु का यूज किया गया, क्योंकि लिविंग है, लिविंग के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं. इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे द टू लिटिल गर्ल्स Who showed you around the kindergarten are my cousin. वो दो लड़कियां जो showed you around आपने देखा kindergarten में are my cousins, मेरे cousins हैं. और जहां जहां पर भी which का यूज किया गया वो नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन which का यूज करते हैं. अब चौथा एक्सरसाइज, यहाँ पे हमें प्रत्येक सेंटेंस के लिए ऑप्शन दिया गया. यहाँ पे हमें टिक करना है कि किस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन राइट है. तो पहले में हु को टिक करेंगे, दूसरे में विश को टिक करेंगे, तीसरे में डेट का यूज करेंगे, चौथे में विश को टिक करेंगे, पांचवे में डेट और लास्ट यहां पर हु को टिक करेंगे. सालनी
हु इज द मदर ऑफ द ब्राइड, शालिनी जो दुल्हन की माँ है, हैज और समथिंग रियली वेरी चार्मिंग, पहनी है कुछ ऐसा जो वास्तव में बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से यहाँ पे शालिनी के अकॉर्डिंग हु का यूज किया गया, और यहाँ पे आवर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हु का यूज किया गया है, और सभी एडजेक्टिव क्लाज हैं तो यहाँ पे विच का यूज किया गया है, और जो नाउन क्लाज हैं वहाँ पे डैट का यूज किया गया, सी में डैट और ई में डैट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांचवा एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट वेदर इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तुम आपको बताना चाहेंगे कोई ना कोई वर्ड जो कंजक्शन के रूप में आया रहेगा वहां से लेके अंत तक का पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे यहाँ पे कंजक्शन डैट है, यहाँ से लेकर के रांग तक का पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड में व्हाट ही वाज सेलिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ तीसरे में वेस्ट से लेकर के फिश तक का पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चौथे में बिकॉज से लेकर के पांच में देखेंगे कहीं ना कहीं जरूर होगा व्हाट, जैसे यहाँ पे है व्हाट, व्हिच, डैट, हु, होम, आई, सिंस, फार, बिकॉज, सो। यहाँ पर ये पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे सिंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डैट से लेकर फ्लैट तक, आई से लेकर के स्टोरी लाइन, बिकॉज से लेकर हीरन, वैन से लेकर के लेसन तक, जिनको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये सभी पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। आई हैड ए पेट, डैट आईज, और डैट से लेकर के डेट तक, ये सभी पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। अब हमको बताना है कि अंडरलाइन किया गया पार्ट कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है। तो पहले में आप देख रहे होंगे डैट है तो नाउन क्लॉज हो गया, यन लिख दिया हमने। दूसरा भी हमारा व्हाट है, डैट है या व्हाट है, और नाउन क्लॉज ही होता है, यहाँ पर भी लिख दिया। तीसरा विच है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए हमने ए लिख दिया। उसके बाद बी क्लॉज, यहाँ रीजन बता रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ए डी लिख दिया। पांचवा यहाँ पर भी व्हाट है तो ये नाउन क्लॉज हो गया। सिंस है तो एडवर्ब क्लॉज है, टाइम बता रहा है, टाइम बताए, रीजन बताए, समय बताए, मैनर बताए, वो सभी हमारे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ये हमारा डैट है, यहाँ पर भी नाउन क्लॉज है। ऑल द जोक्स डैट ही टोल्ड फेल फ्लैट, एडजेक्टिव बता रहा है सेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए हमें लग रहा है कि यह सेंटेंस का जो पार्ट है यह एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके लिए हमने ए लिखा। उसके बाद अगला सेंटेंस है एज इट हैज बेरी एडवर्ब क्लॉज एडी, आई भी एडवर्ब क्लॉज है एडी, When adverb clause है, डैट से लेके एडजेक्टिव क्लॉज है ये, आई हैड अ पेट कैट डैट हैड ब्लू आईज, मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी जिसकी आंखें नीली थी, यहाँ पर बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है जिसकी आंखें नीली थी, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हम ए लिखेंगे और एडवर्ब क्लॉज के लिए एडी लिखेंगे। अगला सेंटेंस है आई लास्ट
यहाँ पर दो हैं, एक है एक पार्ट डेट से लेकर रिजाइन तक है, दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें दो सबॉर्डिनेट क्लाज हैं, तो पहला तो नाउन क्लाज है, यहाँ पर यन लिखेंगे, और दूसरा एडवर्ब क्लाज है, यहाँ पर एडी लिखेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 5वां पूरा हुआ। अब 6वां हम बात करेंगे, आई लाइक पीपल, मैं पसंद करता हूँ ऐसे लोगों को, हु आर ऑनेस्ट, जो ईमानदार होते हैं, यहाँ लिखेंगे हु आर ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस है, द न्यूज पेपर रिपोर्टेड, द डेट द प्राइम मिनिस्टर, डेट द प्राइम मिनिस्टर वुड, WOULD वुड इनोग्रेट, इनोग्रेट में होता है उद्घाटन करना, INAUGURATE इनोग्रेट, द न्यूज पेपर रिपोर्टेड दैट द प्राइम मिनिस्टर वुड इनोग्रेट द ब्रिज ऑन मंडे। यहाँ पर स्थान नहीं है, इसलिए हम आगे बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे और लिखेंगे, इनोग्रेट उद्घाटन करेंगे द ब्रिज, पुल का, ऑन मंडे, सोमवार को। तीसरा, आई इनवाइट माय फ्रेंड्स हु लिव नियर बाय, हु लिव नियर बाय, मैंने अपने मित्रों को आमंत्रित किया, हु लिव नियर बाय, जो पास में ही रहते हैं। यहां लिखेंगे ऑन मंडे, बी के लिए इनोग्रेट द ब्रिज, BRIDGE ऑन ब्रिज। अगला सेंटेंस है, दे टूक अवे माई फर्नीचर which was old. अगला, he has a ring which is made of gold. Next, we should be grateful to those who sacrificed, SACRIFIED, sacrificed their lives for the nation. अगला सेंटेंस है, जॉनसन केप्ट वॉकिंग टिल ही रेस्ड द हिल। जॉनसन चलता रहा जब तक कि वह हिल तक पहुंच नहीं गया। अगला सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहता हूं। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। 7वां एक्सरसाइज है, शी वांट्स टू बाय द साड़ी, यहाँ पर हम लिखेंगे दो, क्योंकि यहाँ पे वैन हो आल दो बीकाज डेट वाइल विच का यूज करना हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर दो लिखेंगे, TH OUGH दो, यद्यपि
उसके बाद अगला सेंटेंस है, यहां पर दे को हटाएंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे हु फॉलो द राइट पाथ इन लाइफ। तीसरा द गर्ल who has a grey eyes is standing बाद में लिखेंगे, सी यहां से कट जाएगा। The girl who has grey eyes is standing there। अगला सेंटेंस है, यहां पे कामा लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे when the teacher entered the room, जब अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, the students stood up to greet her, सभी बच्चे उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है, do not speak hard words which may, देख हटाएंगे, which may hurt someone, ऐसा शब्द ना बोलें जो किसी को चोट पहुंचाए। While grandfather was reading a newspaper, कामा लगाएंगे, father was watering the plants। अगला सेंटेंस है, ही रोट अ स्टोरी, ही रीड इट आउट टू अस, यहां पर लिखेंगे व्हेन और यहां पे लगाएंगे कामा। लास्ट है, ही आस्क मैनी क्वेश्चंस व्हिच आर पॉइंटलेस, ही आस्क वह पूछता है मैनी क्वेश्चंस, बहुत से प्रश्नों को, व्हिच आर पॉइंटलेस, निराधार, जो निराधार होते हैं। आठवां एक्सरसाइज, यहां पे हमें दिए गए शब्दों का यूज करना है, सेंटेंस में फिल करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेयर, दूसरे में लिखेंगे हूज, तीसरे में लिखेंगे हु, चौथे में लिखेंगे व्हेयर, पांचवें में लिखेंगे व्हिच, छठवें में लिखेंगे व्हिच, सातवें में लिखेंगे व्हिच। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे यहां पर व्हेयर, उसके बाद यहां लिखेंगे हु। इस तरीके से हमने सेंटेंस में कहीं पर हु, कहीं पे हु, कहीं पे व्हेयर का यूज किया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहां लिखेंगे व्हिच, यहां लिखेंगे हुज और यहां लिखेंगे होम। अब यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका एक्सरसाइज नंबर 9, यहां पर दिया है फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड बट, सो देयरफॉर, एट, फॉर, नॉर, आर, नॉट ओनली, बट आल्सो, हाउएवर, एज, वेदर, आर, अदरवाइज, इन सब का यूज हमें दिए गए सेंटेंस में करना है। इनका यूज आप लोग स्वयं करेंगे, डू इट योर सेल्फ, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। थैंक यू।